इस कहानी के लेखक है धीरज कुमार सालुंके। हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसी घटना जरूर घटती है जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर बोल नहीं सकता। मेरा नाम है धीरज सालुंके और मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है जिसे मैं पिछले 18 साल से बोल नहीं पा रहा। ये बात है 2005 की, जब मैं मेरी आई के साथ लातूर से बोरगांव गांव शिफ्ट हुआ था। बोरगांव मेरे आजूबा का यानी कि मेरी आई के बाबा का गांव था। तब मैं 18 साल का लड़का था। मेरे पापा ने एक पराई औरत के खातिर मेरी आई को छोड़ दिया था, तभी से मैं आई के साथ रह रहा था। और उन दिनों ही मेरे लातूर में बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ठीक होते ही हम दोनों लातूर छोड़कर बोरगांव शिफ्ट हुए थे। परिवार में अब सिर्फ मैं और आई दोनों ही बचे थे, क्योंकि आजूबा और आजी चल बसे थे और मेरी आई आजी आजूबा की एकलौती संतान थी। उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी आई के नाम हो गई थी। मेरे आजूबा उस गांव के पाटिल थे। उनका वाड़ा गांव के बाहर खेतों में था। हम दोनों उस दो मंजिले वाड़े में रहने लगे थे। मुझे पहले से ही दूसरे मंजिल के कमरे पसंद थे, इसीलिए मैंने दूसरी मंजिल का एक कमरा ले लिया। वाड़े के पीछे एक तालाब था। उस तालाब तक जाने का रास्ता बगीचे से गुजरता था। मैं रात दिन खिड़की में बैठकर बाहर पड़ रही बारिश का आनंद उठाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उस बगीचे में अजीबोगरीब लोग दिखने शुरू हो गए। एक रात में खिड़की में बैठे हुए बारिश चल रही मूसलाधार बारिश देख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत खिड़की के नीचे खड़ी हुई है। वह मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और अजीब बात तो यह थी कि उसका गला कट चुका था और उससे खून बह रहा था। मैं ये देखकर बहुत डर गया। तभी वो औरत बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी और मैं नीचे आई के पास भागते हुए गया। मैंने उसे बताया कि एक अजीब सी औरत मेरे कमरे के खिड़की के नीचे खड़ी है। लेकिन जब मेरी आई कमरे में आई और उसने नीचे देखा तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। बेटा, शायद एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, या फिर अंधेरे में तुम्हें वो किसी पेड़ का साया हिलते हुए दिखाई दिया होगा जिसे तुम औरत समझ बैठे। आई ने मुझे कहा। मैं उसे बार बार बता रहा था कि सच में वहां एक अजीब औरत थी, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। उस रात मैं जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन वाड़े में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था। मुझे वाड़े से बाहर जाकर खेतों में घूमने का मन कर रहा था। वाड़े के पीछे वाले तालाब में तैरने को जी करता था, लेकिन मेरी आई ने मुझे वाड़े के बाहर निकलने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था। वैसे तो मुझे सब ठीक ठाक लग रहा था, सर में कुछ दर्द भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी आई ने कुछ दिनों के लिए मुझे उस वाड़े से निकलने से साफ साफ मना किया हुआ था। मैं जब से बोरगांव आया था तब से शिवानी से मिलने का दिल कर रहा था। शिवानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मुझे केवल दोस्त समझती थी, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा समझता था। मुझे बस जल्दी से शिवानी से मिलना था। मैं इस बात की राह देख रहा था कि कब आई मुझे वाड़े से बाहर जाने दे। उस रात में हमारे वाड़े में आई बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, लेकिन सारा दिन बेड पर लेटकर मैं बहुत ज्यादा पक चुका था। घर में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से चल नहीं रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं फिर से उठकर खिड़की की ओर चल गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि खिड़की के नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका गला भी कल वाली औरत की तरह कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ में मेरी बिल्ली थी। वो आदमी गुस्सैल नजर से मुझे देख रहा था। तभी उसने अचानक से बिल्ली का सर मुंह में डालकर किसी गाजर मूली जैसा चबाया। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तभी उस आदमी ने बिना सर वाली वो मरी बिल्ली मेरी तरफ फेंकी और वो मेरे छाती से आकर टकराई। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे आई की तरफ भागता चला गया। मैंने उसे मेरे साथ घटी सारी घटना बता दी। आई मेरे कमरे में आई। उसने फर्श पर मरी बिल्ली देखी
और उसने खिड़की के नीचे झांक कर देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे मालिक से कह दो कि हम ये वाड़ा और प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें अकेला छोड़ दो। वो खिड़की से नीचे देखते हुए चिल्लाई और उसके बाद खिड़की बंद करके मेरी तरफ आई। आई आई वो आदमी कौन था? मैंने मेरी आई से पूछा। वो मेरे बाबा के भाई का पालतू कुत्ता है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे आजू बाकी प्रॉपर्टी मेरे पास रहे। उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद इस वाड़े पर और खेतों पर उनका और उनके बेटों का हक है, इसीलिए वो हमें डरा रहे हैं। इसलिए तुम बिल्कुल मत डरना, आई ने मुझसे कहा। इस पर मैंने कहा, लेकिन आई मुझे तो वो लोग जिंदा नहीं लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मरे हुए लोग हैं। मैंने आई से कहा, नहीं बेटा, मरे हुए लोग वापस कभी नहीं आते। ये भूत वूत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तुम सो जाओ और खिड़की से दूर रहना, आई ने कहा, और वो मुझे सुलाकर चली गई। लेकिन 4-5 दिन बाद एक रात मैं बेड पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे पेट पर कुछ गिरा। मैंने उठकर देखा तो मेरी मरी बिल्ली थी। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने उसे मरते हुए देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे आई। वो बिल्ली मेरी तरफ देखकर म्याओ म्याओ किए जा रही थी, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए मैंने उस बिल्ली को जोर से लात मारी और वो बेड से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वो खिड़की में चढ़कर बाहर कूद गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए खिड़की की तरफ भागा, तभी मैंने देखा कि वाड़े के पीछे मेरी आई की एम्बेसडर कार आकर रुक गई। मैं चुपचाप नीचे देखने लगा। आई हड़बड़ी में कार से नीचे उतरी, वो डिक्की की तरफ गई। उसने डिक्की खोली और एक आदमी की बॉडी बाहर निकाली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और फिर वो उसे कंधे से पकड़कर घसीटते हुए आम के बगीचे में ले गई। शायद वो उसे तालाब की ओर ले जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और मेरी आई इतनी रात गए उसे डिक्की में बांध कर क्यों लाई है और वो उसे घसीटते हुए बगीचे में क्यों ले गई। मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने चुपचाप आई का पीछा करते हुए वो क्या करने जा रही है ये देखने का फैसला किया और इतने दिनों में पहली बार वाड़े से बाहर निकला। मैं चुपचाप से उसी रास्ते से तालाब तक पहुंच गया। मैंने एक पेड़ के पीछे से देखा कि तालाब के किनारे एक अग्नि जल रही थी। आई ने उस आदमी को एक लकड़ी के पिटारे के सामने लिटा दिया था और वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। वो मंत्र और आई की आवाज बहुत ही डरावने लग रहे थे। तभी आई ने बगल में पूजा किया हुआ चाकू उठाया और दोनों हाथों से पकड़कर वो चाकू उस आदमी के गले में घोंप दिया और फिर बड़ी आसानी से उसे घुमाकर उसका गला काटा। उसके बाद उसने गले से निकलता खून उसने एक कटोरे में भर लिया। वो आदमी तड़प रहा था लेकिन बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था और उसके बाद आई ने वो खून पिटारे के ऊपर बने एक छेद में डालना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आई ने अभी अभी एक आदमी की बलि दी है। उसके बाद आई ने वो लाश नाव में डाल दी और एक पत्थर से उस लाश को बांध कर तालाब के बीचों बीच फेंक दी। मैं ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा था कि तभी आई ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बिताने के बाद मैंने तालाब की ओर देखा तो आई वहां से गायब हो गई थी। तभी मुझे मेरे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे आई खड़ी थी जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।